निसार बोदला, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आपको बताना था कि यहाँ पर यूके में किस तरह बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो मैं इधर आया था 31 जनवरी को, तो इधर हर चीज़ डेबिट कार्ड पे है, मतलब वो ना हो तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने हॉस्टल की अपनी फ़ीस भरनी थी उसकी, तो उन्होंने कहा जी कैश भी हम नहीं ले सकते, तो आपको डेबिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। तो वो फिर मैंने अपने एक दोस्त के अकाउंट से पे करवाया था। तो अभी मैंने दो बैंक्स में अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह एक की मुझे 15 फेब की अपॉइंटमेंट मिली है और एक की मुझे अपॉइंटमेंट उसी दिन मिल गई थी, तो उनका मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब इसका प्रोसीजर ये है कि बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट होनी ज़रूरी है, तो वो मैंने सबसे पहले आके इनरोलमेंट करवाई। फिर एक यूनिवर्सिटी की रिसेप्शन से एक आपको बैंक लेटर लेना पड़ता है। अब सपोज़ के जैसे हमारे उधर MCB UBL बैंक्स हैं, यहाँ पे मेट्रो लॉयड्स और इस तरह के और बार्कलेज इस तरह के बैंक हैं, तो आपको जिस बैंक का अकाउंट खुलवाना है आपको यूनिवर्सिटी से इस तरह का पेपर लेना पड़ेगा। ये बैंक लेटर होता है, ये देखेंगे, ये लॉयड्स बैंक का मैंने लिया था, तो एक मैंने मेट्रो बैंक का लिया था। अगर जितने मतलब बैंक्स में अकाउंट खुलवाना है उतने आपको इस तरह का पेपर मिलेगा। आपने यूनिवर्सिटी में सिंपल जाना है, उनको कहना है कि जी मुझे बैंक लेटर चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। तो ये आपके उधर बैंक में जब जाएंगे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आपको ये चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, और इसके साथ एक टर्म लेटर होता है, वो भी इसी तरह का एक पेपर होता है। तो ये आपको अपने साथ लेके जाना है अपने बैंक, और इसके साथ एक BRP कार्ड होता है, BRP कार्ड ये इस तरह का होता है। तो ये आपने मतलब अपने साथ लेके जाना है, यूनिवर्सिटी से ईजिली मिल जाता है BRP कार्ड। तो जब आप आए, ये रेजिडेंस परमिट होता है, जब आप UK आएंगे तो ये आपको मतलब मिलेगा, क्योंकि आप जब UK से पाकिस्तान से UK आते हैं तो आपका सिर्फ 3 महीने का वीज़ा लगा होता है, तो इसमें आपको ये फिर इधर आके BRP कार्ड मिलता है, तो इसमें आपको वर्क परमिट आपका जितने साल का वीज़ा है, 2 साल का, 3 साल का, वो इस पे मेंशन होता है। और आपने अब सिंपल ये करना है कि बैंक इधर यूनिवर्सिटी से बैंक लेटर लेने हैं, और फिर आपने लॉयड्स बैंक का मैंने कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले उनकी वेबसाइट पर गया था और उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, वो फॉर्म फिल करके फिर मैं उनके ब्रांच पे गया हूँ, वो इधर सिटी सेंटर में है। तो उन्होंने मुझे 15 फेब की अपॉइंटमेंट दी थी, तो तकरीबन मैं 3 या 4 फेब को गया था, तो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मतलब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने उनके पास डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने मुझे 15 फेब की अपॉइंटमेंट दी, और 15 फेब को मैं अपने ये बैंक लेटर और BRP कार्ड मुझे साथ लेके जाना है और मेरा अकाउंट खुल जाएगा। और दूसरा मैंने मेट्रो बैंक में अप्लाई किया था, और मेट्रो बैंक में ये सिस्टम है वो थोड़ा सा इजी है मेट्रो बैंक, क्योंकि उसमें सीधा उनके पास जाना है, उसी दिन की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, ना मुझे कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ा है, तो वो मुझे कोई ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। मैंने उसी टाइम वो उधर बैठ के फॉर्म फिल किया है, और आपको सिर्फ एक बैंक लेटर लेना चाहिए। और एक और चीज़ जहन में रखें कि आपको जो टर्म लेटर लेंगे ना बैंक लेटर के साथ, आप उस पर आपका जो करंट एड्रेस है ना, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वो आपका मेंशन होना चाहिए। बैंक वाले पूछते हैं कि ये जो आपका एड्रेस इधर मेंशन है ये इस पर लेटर पे, वो आपका करंट एड्रेस है, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा, आपका वो मेंशन लाजमी होना चाहिए कि आपका करंट एड्रेस है जिस पे आप रह रहे हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। जैसे लाइक मैं इधर हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो ये मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, तो वो फिर वेरिफिकेशन करते हैं। मैं मेट्रो बैंक गया था तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन का टाइम दिया है, अपॉइंटमेंट मेरी उसी दिन हो गई थी, और सारे डॉक्यूमेंट्स BRP वगैरह उन्होंने मेरे वेरीफाई कर लिए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें आपकी अकोमोडेशन और सारा कुछ डिटेल्स वगैरह वेरीफाई करनी है, तो इंशाल्लाह आज सैटरडे है तो मंडे तक उम्मीद है कि मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो मेट्रो बैंक की एक और ख़ास बात है कि वो 24/7 ओपन होता है, मतलब नहीं सॉरी, वो 7 दिन ओपन होता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो उसकी बैंक टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है उनकी। तो
वैसे जो मैंने सुना था कि इधर लॉयड्स बैंक की ज़्यादा अच्छी सर्विसेज हैं, तो मैंने कहा दोनों में बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने कौन सा पैसे लगने हैं। तो जी ये था सारा प्रोसीजर, बहुत ही इजी है, कोई इतना ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंशाल्लाह आप आएंगे तो इधर बहुत इजीली खुल जाता है अकाउंट, बस अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट मिलती है। तो कोशिश करिएगा आने, जब आएँ इधर पहुँचें तो फ़ौरन से आप ये बैंक अकाउंट वाला काम शुरू कर दें, क्योंकि इधर हर चीज़ डेबिट कार्ड पे है, इधर कार्ड पे पेमेंट होती है, इधर वो कैश वाला सिस्टम बहुत कम है। तो जी ये थी आज की वीडियो, मैंने बैंक के बारे में आपको बताना था। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह साथ साथ इसी तरह की मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।